हम कैसे कैसे कारोबार के मुख्तलिफ चीज़ें अब खोलते जा रहे हैं SOPs के साथ, और वो मैं वो जो SOPs है, ये मैं फिर से आपको कह दूँ, SOPs का मतलब ये कि जो भी कारोबार खोलेगा उनके जो मालिक होता है उसके ऊपर हम जिम्मेदारी दे देंगे कि आपने ये कदम उठाने हैं, ये शरायत है जिसके ऊपर चल के आपने अपनी फैक्ट्री खोलनी है या आपने अपनी दुकान खोलनी है, तो आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे। मैं आप सबसे फिर से अपील करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है आपको इन SOPs के ऊपर चलना, सारी कौम को मैं कहता हूँ। वो इसलिए कि देखें, अगर अब ये जो हम आहिस्ता आहिस्ता ये जो लॉकडाउन उठा रहे हैं, अगर एकदम इससे ज़्यादा बढ़ते हैं केसेस, तो हो सकता है जिधर जिधर जिन एरियाज़ में केसेस बढ़ते हैं हमें फिर से उनको लॉकडाउन करना पड़े। अगर हमने मसलन देखा कि कहीं फैक्ट्री के अंदर केसेस बढ़ गए एकदम, तो फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा, तो आप सबको जो मालिक हैं फैक्ट्री के, आपको नुकसान होगा, आपके लेबर को नुकसान होगा। उसी तरह अगर हम अब दुकानें खोल रहे हैं, तो मैं सारे दुकानदारों को कहूँगा कि इसके ऊपर जो SOPs हैं इनके ऊपर प्लीज़ अमल करें, आप अपने ऊपर डिसिप्लिन करें, जिम्मेदारी लें, क्योंकि आप जो जिम्मेदारी लेंगे वो मौका देंगे हम सबको कि इस मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता खोलने का, ताकि कारोबार शुरू हो, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। तो ये जो आप आगे इधर से हम जब 2 हफ्ते और 1 महीना और ये जो भी 1 साल हमें गुजारना पड़ेगा कोरोना वायरस के साथ, तो इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगी हमारे इस कौम के ऊपर, शहरियों के ऊपर, कि हम कैसे अपने ऊपर डिसिप्लिन करते हैं।